उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही योगी सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है और लोगों को योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचा रही है। इसमें आंगनबाड़ी पर तैनात सभी आशा महिलाओं का मानदेय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें अब सैमसंग एंड्रॉइड फोन सरकार द्वारा वितरण कराया जा रहा है, जिसके चलते मूढ़ा पांडे ब्लॉक क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी पर तैनात आशाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार द्वारा सैमसंग एंड्रॉइड फोन का वितरण कर बड़ी सौगात सभी आशाओं को दी गई है। इसमें आशाओं द्वारा सरकार द्वारा दिए गए एंड्रॉइड फोन लेने के बाद सभी आशाओं में खुशी की लहर छाई हुई है। आशा किरण कुमारी द्वारा बताया गया है कि आंगनबाड़ी की 200 महिलाओं को एंड्रॉइड फोन का वितरण किया गया है। इसमें वो सभी आंगनबाड़ी केंद्र महिलाएं जब ऑनलाइन अपना डाटा जमा कराएंगी। आशा पट्टे में कार्य करती हूँ और मेलवाड़ी के मजरे में फसल में जो मजरा होता है भेड़ वाली बोलते हैं उसको, और ये जो हम मतलब वर्कर काम करते हैं सर्वे गाँव में, उसके लिए मोबाइल मिला है ताकि उसमें हम सर्वे करते हैं उसमें ऐड कर सके। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी मतलब इसमें ऐड करते हैं, तो जो पहले हम रजिस्ट्री ऐड करते थे अब मोबाइल से ही सारा काम मतलब होगा। अच्छा, किस तरीके की खुशी महसूस कर रही हैं आप, ये फोन मिला है आपको सरकार की तरफ से? अच्छी खुशी हो रही है जो कि सरकार ने मतलब हमें फोन दिया, अच्छा लग रहा है। कितनी महिलाएं हैं जो जिन्हें ये फोन यहाँ वितरित किए गए हैं, कौन सी जगह है ये? मूढ़ा पांडे, अच्छा सीएससी, और यहाँ पे लगभग आज तो 200 आशाओं को वितरित हुआ है फोन। वही सरकार द्वारा दी गई ये सौगात आंगनबाड़ी आशाओं को बड़ा तोहफा है, जिससे सभी फोन लेकर खुश नजर आ रही हैं।